करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुवहो शांति हे शांति हे शांति हे। ओ कृपा से शस्य श्यामला महाकौशल की धर्मधारा छपारा के इस हरितिमा प्रधान जहां पदार्थों की प्रचुरता प्रकृति में निश्चलता परिवेश की सुचिता पावित्र विद्यमान है ऐसे वैण नदी के कल्याणक तट पर मधुरा मंगला मोक्ष प्रदा कलि कलुष विभंजनी मंगल करणी ब्रह्म भयहारिणी श्री रामकथा के पावन अनुष्ठान में अपने अंतःकरण को रससिक्त करने के लिए आए आदरणीय यतिवृंद मुनि मंडली आचार्य वृंद इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया आदरणीय अजय विश्नोई जी अनेक आदरणीय विधायक गण और इस विशाल प्रदेश के आसपास के अनेकों नगरों से चलकर आए आप सभी श्रेष्ठी गणमान्य साधक विचारक मुमुक्षु और एक प्रकार से शासक प्रशासक उपासक के समूह में आप सब के अंतःकरण की आस्था आपका विश्वास वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहां बैठे हैं आपकी उस आस्था दैवी संपदा पारमार्थिकता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हैं। अंतःकरण की शुचिता निर्मलता
सत्कर्म संलग्नता, शुभ कर्म प्रीति और आध्यात्मिक अंतःकरण साधना की फलश्रुति है। योग युक्तियां, पारमार्थिक प्रवृत्तियां, अनुष्ठान, जप, आराधना, स्वाध्याय, सत्संग, संत सेवा, परोपकार की भावना, ये सब जिसे प्रदान करते हैं, इन सब का एक सामूहिक फल है अंतःकरण की पवित्रता। और जब एक योग्य अंतःकरण का निर्माण हो जाए, पवित्र अंतःकरण का, आध्यात्मिक अंतःकरण, तब जीवन की सिद्धि में सार्थकता में, जीवन की धन्यता में पहला साधन है। इसलिए सभी साधनाओं का सार है अंतःकरण निर्मल हो। मन विकार शून्य हो, चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो, बुद्धि के भ्रम का निवारण हो, और जो चांचल्यता, मूढ़ता, जड़ता है उससे मुक्ति मिले, इसे भ्रम, संशय, जो अज्ञान जन्य अन्य द्वंद हैं, उनका निवारण एक बड़ी उपलब्धि है। तो जीवन की उपलब्धियों में, जो जीवन में प्राप्त है, उसमें श्रेष्ठतम कोई साधन है तो वह अंतःकरण की निर्मलता। आध्यात्मिक गलियारे में साधक इसी के प्रति सजग रहता है, उसमें चौकन्नापन, सचेतता, जागरूकता, स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता, एक बड़ी तन्मयता के साथ जो उसकी साधना का क्रम है, एक योग्य साधक का वह है कि एक सही अंतःकरण बन जाए, उसके पास ठीक विचार रहे, उसकी सोच सही रहे, शुभ संकल्प रहे, एक स्वस्थ चिंतन रहे, तो जो चिंतन में एक सृजनात्मक, रचनात्मक भाव है वो बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हम अपनी सोच का परिणाम है, मनुष्य विचारशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, वे अपने सोच कर्म का परिणाम है। इसलिए सोच स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो, पवित्र हो, सकारात्मक हो। जो सकारात्मक सोच है वो बड़ी उपलब्धि है। तो
तो जिनमें चिंतन की प्रखरता, एक स्पष्ट चिंतन, एक पारदर्शी जीवन, एक वैचारिक पावित्र रहता है, वो बड़े आनंद के अधिकारी है। तो किंचित प्रयास करने हैं बस, अधिक नहीं। और ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब अंतर्मुख हो, स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध हो, गंभीर हो, जीवन के प्रति, एक स्वयं के प्रति, अपने प्रति किंचित गंभीरता। ये मेरे पास विचार, चिंतन, संकल्पना, धारणाएं, आग्रह, आदत, अध्यास, अभ्यास, आभास, प्रतिक्रियाएं, स्वस्थ हो, सही हो। इसलिए आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आप में एक सघन रूपांतरण, एक सही परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन, जो आप हैं वो निकल कर आ सके। जो अपने अध्यास, अभ्यास, प्रतिक्रियाओं के प्रति उदासीन है, जो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो सका, जो अपने अज्ञान जन्य अभाव, अवसाद, द्वंद्व, भय से मुक्त नहीं हो सका, वो जीवन के बड़े लाभ, बड़े आनंद से वंचित है। इसे उन्हें भय नहीं रहता जो इष्ट की निकटता में जीते, जिनका इष्ट में पूरा विश्वास है। इसलिए एक विश्वासी अंतःकरण हमारे पास हो, एक श्रद्धास्पद हमारी भावना हो, जिसमें श्रद्धा रहे, आत्मविश्वास हमसे छिन न जाए। तन में बना शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प पल पल हमारे पास रहे, और ये आध्यात्मिक गलियारे से प्राप्त होता है। एक चिरस्थाई समाधान, प्रसन्नता, एक द्वंद्व रहित अवस्था, एक प्रखर चिंतन आपके पास, आपकी ओज, ऊर्जा, विभूति, आत्मविश्वास, आत्मसंतुलन हर पल आपके आसपास रहे। इससे फिर जो सृजनात्मक, रचनात्मक या सकारात्मक जो अंतःकरण बनेगा, वो बड़ी उपलब्धि होगी, उससे बड़ा हित होगा। इसलिए कथा एक अच्छे अंतःकरण का निर्माण करती है। इसे आत्म उपचार भी कहा गया, जिसे हमारे भ्रम, संशय और हमारे द्वंद्व शिथिल हो सके। इसे धन्य वही हैं जिन्होंने अपने मनोविकार जीत लिए हैं, वही जही हैं यहां जिन्होंने एक मन को अनुकूल कर लिया अपने लिए। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो जिन्होंने एक सही मन बना लिया है, सही मन करते हैं जिनके पास ठीक विचार रहते हैं, जिनके पास एक स्वस्थ चित्त है। चित्त की पांच स्थितियां बताई गई, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्धावस्था। तो जिनके पास एक स्वस्थ चित्त है, जितना हम बाहर के लिए सजग हैं, चौकन्ने हैं, पदार्थ प्राप्ति के लिए, सुख सम्मान और सौंदर्य के लिए, सुख वांछाएं निरंतर बाहर हैं, उतने थोड़े सजग भीतर रहें कि चित्त हमारा सही रहे, उसकी वृत्तियां, वहां के संकल्प, बुद्धि में कोई भ्रम न हो,
ये दो चीजें हर पल रहती हैं हमें, हे उपादेय, जो हे है उसका हम त्याग कर सकें, उपादेय ग्रहण कर सकें। तो जो ग्रहण करें वो सही हो, और निहार या निराकरण कर सकें जो सही नहीं है। सवितर दुनिता नि परास, अंतःकरण में मलिनता, हेयता, असुचिता, अग्राह्य अवस्था बहुत देर तक न रहे। इसलिए कथा का ये फलादेश है, कथा की ये उपलब्धि है कि योग्य अंतःकरण इससे बनता है, एक बड़ी पात्रता का विकास होता है। उपदेश की परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है, और उसके प्रति अरुचि विरति विकास में बाधक है। इसलिए समय समय पर गुरुजनों से, संत सत्पुरुषों से, आचार्य मुनियों से, महापुरुषों से, जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मान्य हैं, अनुभवी हैं, अध्ययनशील हैं, चिंतनशील हैं, विचारक हैं, जिनका चरित्र धवल है, जो आचरण में पारदर्शी हैं, जो संयमी पुरुष हैं, उनकी संगति में जाएं। प्रार्थना के बाद का कुछ और अंतःकरण होता है, ये बात बापू ने कही। कुछ कुछ ऐसे कुछ गीताओं को निकट से देखने का मुझे लगा अवसर किसी के एक वाचनालय में कहीं। मैं बहुत गीताएं, उनकी बहुत सी टीकाएं, स्वामी चिन्मयानंद जी की, विनोबा भावे, अरविंदो, तिलक, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, बापू की, तिलक की गीता कर्मयोग की बात कहती है, चिन्मयानंद जी की वेदांत की ओर लाती है, स्वामी राम सुखदास जी की जीवन शुद्धि, व्यवहार की पवित्रता और उसके कौशल की बात कहती है, अरविंदो की अति मानस और अंतःकरण की पवित्रता की बात कहती है, विनोबा आचरण पर अधिक बल देते हैं, बापू की वर्तमान की अवस्थाओं को, जो वर्तमान है वो सही हो, इस पर अधिक केंद्रित करती है वो। उसकी भूमिका में कहीं लिखा था कि प्रार्थना के बाद का जो अंतःकरण है, उपासना के बाद का, वो बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपकी चेतना इष्ट के साथ जुड़ती है, वहां से ऊर्जा विभूति लाती है, बल लाती है। ये आपने अनुभव किया होगा नींद से निकलने के बाद, सुषुप्ति के बाद, ये पूरा संसार कितनी देर तक छुए, चखें, भोगें, कितना इसका संग करें, 24 घंटे के बाद तो आंखें मुदने लगती हैं, एक पूरे 24 घंटे से देख लेने के बाद फिर मन नहीं करता, कुछ देर के लिए आंखें बंद करने का मन करता, 10 12 15 घंटे के बाद स्वाभाविक रूप से आंखें मुदने लगती हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं नींद के माध्यम से, जो बहुत सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, जयी हैं, उनसे भी आंखें मुदने लगती है, जहां अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, जो आपकी स्वाभाविक मांग है, जिसके बिना न रह सके, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं, वे सभी व्यक्ति, वैसे दृश्य, उनसे आप आंख मुद कर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं। योग दर्शन में आता है कि अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में दृष्टा लौटना चाहता है, वहां से स्वास्थ्य लेकर आता है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम्। जब दृष्टा अपने स्वभाव में, स्वरूप में,
अपने मूल में, अपने अस्तित्व में, अपनी सत्ता में, अपने स्वभाव में, अपनी निजता में, अपने अवधान में लौट कर आता है, तब स्वस्थ, सुंदर और अधिक बल, ऊर्जा पाता है। नींद के बाद जब सुषुप्ति में आप जाते हैं तब अधिक बल वहां से लाते हैं, और कहीं समाधि लगे, कहीं आपको एकाग्रता हाथ लग जाए तो बड़ा बल हाथ लग गया। एक बड़ा चरित्र है राम का, जो लोकमानस को ग्राही है, ये राष्ट्र का चरित्र है। इसे भारत का चरित्र, भारत की मर्यादा, भारत का आदर्श, भारत का सद्गुण, विरक्ति, वैराग्य, उच्चतम साधन, एक पारदर्शी जीवन कहीं देखता हूं तो राम के पास है। इसलिए कथा में कई बार अनुकरण, अनुशीलन का भाव जगता है। बार बार कथा श्रवण करने का अर्थ है कि अनुकरण का भाव जगे, अनुशीलन का, आदर्श के अनुशीलन का, आदर्श का हम अनुगमन कर सके, फिर बड़ी ऊर्जा हाथ लगेगी, फिर अधिक कार्य कर पाएंगे आप समाज का, परिवार का। आरंभ में कहते हैं चतुरानंद ने भी हरि से उपदेश की प्राप्ति की, संवाद में चतुर हैं पार्वती, वैसे संवाद नहीं कर पाई लक्ष्मी, वो संवाद ब्रह्माणी नहीं कर पाती ब्रह्मा से, वैसे संवाद कदाचित राधा ने कृष्ण से या रुक्मणी ने कृष्ण से नहीं किए होंगे, या ऐसे संवाद सीता और राम के भी नहीं मिलते जो संवाद पार्वती और शिव में है। पार्वती पूछना जानती है, प्रश्न करना जानती है, वो संवाद करना जानते हैं, कुरेद कर, बड़े कुतूहल के साथ, जिज्ञासा के साथ, मुमुक्षु होकर, सत्य पिपासु होकर, जिज्ञासु होकर पूछ लेते हैं। ये बड़ी बात है, एक इस पर ध्यान जाना चाहिए आपका कि जितने जितने प्रसंग पार्वती और शिव के हैं किसी के नहीं। इस प्रश्न करने में बड़े निपुण हैं, प्रश्न करने में, और प्रश्न उनके स्वयं के लिए नहीं, लोक के लिए हैं, जगती के लिए हैं, जैव जगत के लिए हैं, प्राणी के हित के लिए हैं। रामायण में से कई कई विधाएं निकलती हैं, जिज्ञासु, मुमुक्षु, विचारक, मनीषी, त्यागी, योद्धा, दार्शनिक, कृषक कैसे बने, योगी कैसा हो, शिष्य कैसा हो, साधक कैसा हो, गुरु कैसा हो, शासक कैसा हो, उपासक कैसा हो, प्रशासक कैसा हो, गुप्तचर कैसा हो, अनुचर कैसे हो, चालक कैसा हो, एक चरित्र प्रधान। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अनुसरण कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं विधि पूर्वक, उन्हें निसंदेह लाभ होता है। इस साधन में जो पहला साधन है वो श्रवण है। हमारी संस्कृति में 6 दर्शन हैं और 6 के 6 दर्शन पूरे श्रवण की बात करते हैं, वो न्याय हो, सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसाएं, पूर्व उत्तर मीमांसाएं अथवा योग, ये 6 फिलॉसफी हमारी है। यूं तो और भी अन्य दर्शन है कई, 12 दर्शन, बहुत अधिक बात न कहकर कुछ आस्तिक दर्शन, कुछ नास्तिक दर्शन। फिलॉसफी भी 2 तरह की है, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन।
जितनी फिलॉसफी है, जितने दर्शन है, उनमें एक साधन सबसे बड़ा बताया गया, पहला साधन, और वह श्रवण, जिसे अनुगमन, अनुशीलन, अनुसरण की प्रवृत्ति पैदा होगी, वह श्रवण सुना जाए। और यह बड़ी बात है कि हम ठीक ढंग से सुन लें। छठा दिन है कथा का, रामायण अपने अब उस सोपान पर है कि जब भगवान वन में है, कब किसने ये बात कही ध्यान नहीं, पर मुझे बहुत अच्छी लगी कि राम बन गए तो बन गए, राम बन में गए तो बन गए। पंछियों का कलरव, प्रपात का नाद, नदिया के नीर और उसकी निकटता के साथ का एक जीवन, जम्बू तमाल पाकल रसाल, कदली कुंज घने वट विटप, उन पर लटकती लताएं। अब एक बड़ा कुछ करना चाहते हैं राम, एक कोई बड़ी योजना के साथ वो जीना चाहते हैं। सीता को संकेत किया कि एक ऐसे ऋषि के यहां चलते हैं जो संकल्प सिद्ध मुनि है। ये ध्यान रहे वहां दो बातें होंगी, जैसे उनके द्वार पर हम पहुंचेंगे वो सहसा मुझे देकर प्रदक्षिणा, पूजन, अर्चना, अभिषेक, अधिक आदर, प्रणाम। हो सकता है कि वो बार बार परिक्रमा मेरी करते रहे, भावुक बनकर ऋषि है वो, मुझे देखकर रोक नहीं पाएंगे, जो कुछ उनके हाथ में होगा सब अर्पण कर देंगे, वो पूजन, प्रार्थना, प्रणाम, प्रदक्षिणा में निपुण है। हो सकता है कि मेरे पैरों की धूल से अपना अभिषेक कर ले, लोट जाए मेरे पैरों में। पर आपको सावधान रहना है, इससे पहले कि वो ऐसा करें आप उनकी भारिया के चरणों में बैठ जाना। ऋषि ऋषि क्या करता है इस पर ध्यान मत देना, उनकी पत्नी के निकट बैठ जाना, सुन लेना बस उन एक बार। ज्येष्ठ जनों के पास जाकर सुन लो एक बार उनको, उनके पास अध्ययन, चिंतन, अनुभव का कोष होता है। इसे जिस ऋषि के पास हम जा रहे हैं वहां सुन लेना उसे, वो उपदेश में निपुण महिला है। जिसके हम जा रहे हैं वो मुष्टिक प्रहार कर गंगा को भी प्रकट कर देते, त्रिदेव परीक्षा में वो दुदमुहा बच्चा बना लेती है। तो भारत की नारी है भी ऐसी कि वो अपने संयम से, शील से, पातिव्रत धर्म से, अपनी स्वाभाविकता से, काल के गाल में से भी प्राण छीन लाए अपने पति के। चौंकाने वाली बात तो यह कि उसके कोई व्रत नहीं बने अपने लिए। जो भगनियों के व्रत हैं, जो माताओं के व्रत हैं, वो स्वयं के लिए नहीं है, कोई व्रत उनके लिए नहीं बना है। वो कर्क चतुर्थी का व्रत है तो पति के लिए, सूर्य षष्ठी का व्रत है तो परिजनों के लिए है, वो भाई दूज है तो भैया के लिए है, वो अहोई अष्टमी है तो पुत्र के लिए है। एक व्रत नहीं है उसके लिए। उसके जितने भी श्रृंगार और उपचार हैं वो दूसरों के लिए, कुछ पति के लिए, पुत्र के लिए, भ्राता के लिए, पिता के लिए, परिजनों के लिए। एक भी व्रत उसके लिए नहीं बना है, एक भी व्रत।
प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा का व्रत है, जो पहला व्रत है उसका, वो परंपरा के रक्षण के लिए है। द्वितीया यम द्वितीया का व्रत भाई के लिए है। कज्जली तृतीया तृतीया सिंधारा तीज का व्रत वो उभय पक्ष के लिए है, इस कुल और पीछे के कुल के लिए। चतुर्थी पति की रक्षा के लिए। पंचमी ज्ञान वृद्धि के लिए, विचार शुद्धि के लिए। षष्ठी सूर्य से तेज मांगकर परिवार में यश वृद्धि के लिए। सप्तमी अचला सप्तमी पार्वती से सौभाग्य मांगने के लिए कि पति की और अधिक आयु हो, रोग निवारण हो। अष्टमी आत्मबल के लिए कि वो परिवार के अभाव से लड़ सके। नवमी वो कई नवमी है, कई अक्षय नवमी, घर में अक्षय कोष रहे। दशमी दशहरा पाप मुक्त होकर रोग मुक्त होकर मैं अपनी ऊर्जा को जगा सकूं परिवार के लिए। एकादशी स्वभावतः बहनों का व्रत। द्वादशी वामन द्वादशी घर में वैभव रहे। त्रयोदशी प्रदोषता अंतःकरण में कोई दोष न रहे। चतुर्दशी रूप चौदस मेरी सब चीजें सुंदर हो दूसरों के लिए। पूर्णिमा अमावस्या पहली बार जब माथे पर पसीने की बूंद देखी अपने पति के, वो कितनी सजग रही होगी अनसुईया। जब पहली बार माथे पर पसीने की बूंद देखी तो पूछा अपने पति से कि पसीना उन्हें अधिक आता है जो रोग ग्रसित होते हैं, श्रमित होते हैं, थकित होते हैं, क्लांत होते हैं, ऊर्जा का क्षय हो गया है, शरीर के बल का प्रयोग लगा है या देह में चेतना कहीं अटकी हुई है, उन्हीं को तो पसीना आता है जो श्रमिक हैं, जो थक रहे हैं, जो क्लांत हैं, जो देह से जुड़े हैं, या कोई रोग है, या कोई उदर विकृति है, या कहीं कोई भय है। ये बड़ी बात है, इसको योगियों को प्राय पसीना नहीं आता। और वैसे पसीना अच्छी चीज है, कुछ लोग तो वहां जाते हैं भाप के चैम्बर में कि एक बार पसीना आ जाए, क्योंकि वैसे तो पसीना आ नहीं सकता, तो वैसे तो आ नहीं रहा है तो कहां जाए, कि चलो सोना बाथ लेने चले, वहां चले। पर इसका संबंध है चिंतन से। हाथों में गीलापन आ जाना, पसीना सा जाना, आंखों में अश्रु आ जाना, अकारण कोई अंदर आर्द्रता है, भय आए, इसका चिंतन से संबंध है। आर्द्रता का, गीलेपन का, जो देह में से गीलापन है कि हथेलियां भीग सी जाए, माथे पर पसीना सा आ जाए, इसका कहीं चिंतन से संबंध है। इसका बहुत गहरा संबंध संकल्प से है, विचार से बड़ा संबंध है अश्रुओं का, पसीने का, आर्द्रता का। वो अपने पति के माथे पर अकारण आया हुआ पसीना देखकर पूछती है कि ये क्या है। अत्रि ने कहा कि अब गंगा बहुत दूर है, थकान हो जाती है, नित्य का नियम है कि गंगा स्नान, गंगा जलपान, गंगा के तट पर पूजन, संध्या वंदन, इष्ट की प्रार्थना, समाधि का अभ्यास, अब देर हो जाती है, बहुत दूर है गंगा। अतः वो धरती में घूंसा मारकर एक मुष्टिक प्रहार कर ये कहकर कि अगर मेरे सारे नियम व्रत उपवास सही रहे तो हे गंगे यहां से निकल, धरती में घूंसा मारती है और गंगा वहीं प्रकट हो जाती है। ये भारत की ऐसी है नारियां, वो कहती है गंगा एक पवित्रता है, वो यहां से निकलेगी, अब आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा।